दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता को भी आज वो सफलता का मुकाम हासिल हो चुका है जिसमें ये अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपने गजब के लुक से भी कुंवारी लड़कियों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन साउथ एक्टर्स के पीछे लाखों करोड़ों लड़कियां दीवानी हो चुकी हैं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई है, जहां पर ये पूरी लाइफ टाइम कुंवारे रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं, क्योंकि वो असल जिंदगी में शादी करना ही नहीं चाहते हैं, वो बिना शादी किए ही जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको साउथ के कुछ अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं जो रियल लाइफ में कभी भी शादी नहीं करना चाहते और हमेशा कुंवारे ही रहना चाहते हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं इन सभी अभिनेताओं से। नंबर वन, वरुण तेज। साउथ इंडस्ट्री में अपनी दमदार बॉडी और ऐप से सभी कुंवारी लड़कियों का दिल जीतने वाले अभिनेता वरुण तेज को मैरिड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इन्हें अभी साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारा काम करना है जिसके चलते इन्हें शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए टाइम नहीं है और इसी के चलते ये अभी पूरे 10 साल तक शादी करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे तो ये शायद शादी करने के बारे में सोचेंगे, पर फिलहाल दूर दूर तक का शादी का कोई इरादा नहीं। नंबर टू, अखिल अकिनैनी। 27 साल के अखिल अकिनैनी के पीछे भी करोड़ों लड़कियां दीवानी हो रखी हैं, जो इनसे शादी करके अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। पर अखिल को शादी जैसे अंधविश्वास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जब ये 22 साल के थे तब इन्हें एक हसीना से मोहब्बत हुई, लेकिन न जाने दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का रिश्ता इतना बुरी तरह से टूटा कि इन्हें शादी जैसे पवित्र बंधन पर विश्वास नहीं रहा और इसलिए इन्होंने उसी समय कसम खा ली थी कि ये जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और इनका ये वादा आज भी बरकरार है, जिसके चलते अखिल 27 साल की उम्र में किसी भी लड़की को डेट नहीं कर रही हैं और ना ही इनका लव अफेयर किसी से सुनने को मिलता है। इससे पता चलता है कि असल जिंदगी में शादी ही नहीं करना चाहते। नंबर थ्री, राम पोथिनैनी। दोस्तों इस लिस्ट में साउथ के सबसे सुंदर हीरो राम पोथिनैनी का भी नाम शुमार होता है, जो 35 साल की उम्र में अभी तक कुंवारे हैं। जी हाँ, ये इतने स्मार्ट और स्टाइलिश हैं कि इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की तुरंत ही हाँ कर देगी, मगर राम पोथिनैनी का दिल किसी भी लड़की पर आता ही नहीं। तभी तो पिछले 20 सालों में अभी तक इनका अफेयर किसी भी अभिनेत्री से नहीं रहा है और ये इसी के चलते अभी तक कुंवारे भी हैं। लेकिन इनके मुताबिक ये शादी करके अपने फ्रीडम और प्राइवेट स्पेस को खत्म नहीं करना चाहते, जिसके चलते ये लाइफ टाइम ऐसे ही कुंवारे रहकर अपने फैमिली और अपने प्राइवेट लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। नंबर फोर, विजय देवरकोंडा। जी हाँ, इस लिस्ट में 30 साल के राउडी स्टार विजय देवरकोंडा का भी नाम शुमार है, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्म साउथ इंडस्ट्री को देकर अपना नाम चमकते हुए सितारे के रूप में उजागर कर लिया है। लेकिन जब बात इनकी शादी की आती है तो विजय देवरकोंडा खुद कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि इन्हें शादीशुदा जिंदगी में कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि शादी एक जिंदगी नहीं बल्कि एक समझौता होता है जिसमें पूरे लाइफ टाइम आपको घर के फालतू के झंझट और ड्रामों से गुजरना पड़ता है और इस तरह की दबी कुचली लाइफस्टाइल में रहना नहीं चाहते, इसलिए ये फिलहाल काफी लंबे समय तक शादी करने के मूड में नहीं है। नंबर फाइव, प्रभास। दोस्तों जब से साउथ के सबसे दमदार अभिनेता प्रभास को बाहुबली फिल्म में दर्शकों ने देखा है, तब से इनका चांद पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर देश की लड़की इनसे शादी करके घर बसाने का सपना देखा करती हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 42 साल के प्रभास को शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। इनके अफेयर की खबरें तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ जुड़े हैं, पर निजी जिंदगी में इन्हें मैरिज लाइफ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं, इसलिए ये लाइफ टाइम कुंवारे रहकर ही अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने फिल्मी करियर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है और किस वजह से ये साउथ के अभिनेता शादी करने से कतराते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।